तो देखिए ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, इधर ध्यान देंगे। मैं पूरे पूरे एक बार जनरल लॉजिक के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनना है एक बार, क्लियर। देखिए सिकंदर लोदी जो थे, मैं पीछे का कल का रिकैप कर रहा हूँ, यानी कि ऐसी क्लास समझिए छोटी सी रिकैप क्लास। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में बैठाओ कि हम चूंकि हमारा लोदी वंश चल रहा है, चूंकि हमारा लोदी वंश चल रहा है तो लोदी वंश के दूसरे शासक हैं सिकंदर लोदी, क्लियर। और इनकी अवधि थी हमारी 1489 से लेकर 1517, जो याद होनी चाहिए, क्लियर। पूरे लोदी वंश के सब जो कि तीन ही शासक हैं लोदी वंश में, जैसा कि हमने देखा, और तीनों शासकों में, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तीनों शासकों में सबसे महानतम शासक भी यही है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है लोदी वंश के सबसे महानतम शासक कौन थे, बात आ जाएगी क्यों थे, बहुत ध्यान से सुनना क्यों थे। क्योंकि तैमूर आक्रमण के बाद, हिंट पॉइंट ही याद रखने के बाद, तैमूर आक्रमण जो 1398 में हुआ दिल्ली पर, उसके बाद अगर दिल्ली सल्तनत में थोड़ा बहुत भी विस्तार हुआ तो वो सिर्फ सिकंदर लोदी के समय में हुआ, क्लियर। यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिष्ठा थी उसमें अगर कहीं हद तक अगर बढ़ोतरी हुई तो वो किसके समय में होगी, सिकंदर लोदी के समय। इसलिए मोस्टली उन्हें लोदी वंश का सबसे महानतम शासक भी कहा गया। इसका अर्थ यह है स्टूडेंट, जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसका अर्थ यह है कि जो लोदी वंश के जो ये शासक थे ना सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जो थे, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक तो इनके समय में विस्तार हुआ जो भी कुछ हुआ इससे पहले, इसलिए ये महानतम कहा गया क्योंकि तैमूर आक्रमण के बाद एक सैयद वंश भी आया था, उसके बाद पहले लोदी भी रह चुके थे लोदी वंश के संस्थापक। इस बीच में दिल्ली सल्तनत का इतना विस्तार नहीं हुआ जितना कि सिकंदर लोदी के समय में हुआ, ये कह सकते हैं। तो इसलिए उन्हें सबसे महानतम शासक कहा गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इनका जो महत्वपूर्ण निर्णय था, ये इनके निर्णय है जो हमेशा याद रखना है, कई बार पूछा जाएगा। इन्होंने 1540 में आगरा नगर की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना की, याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ये उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन भी है इसलिए विशेष रूप से याद रखेंगे। आगरा जहां ताजमहल है जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, जहां आगरे का किला है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया, और आगरे के किले के अंदर जो एक मोती मस्जिद है वो आपके शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। मैं उसी आगरा की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन्होंने 1540 में आगरा नगर बसाया, बहुत ध्यान से सुनना है एक पॉइंट को, और 1505 में, बहुत ध्यान से सुनिए, 1505 में इन्होंने दिल्ली में एक मोट की मस्जिद बनवाई, बहुत अच्छी तरीके से सुन लें और याद रखना स्टूडेंट, इसका सन भी याद रखना। कई बार अपर लेवल के किसी एग्जाम में इसका सन पूछा जा सकता, क्योंकि मोट की मस्जिद एक ऐसा स्थापत्य का नमूना है लोदी वंश का, जो लोदी वंश में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी कि दो तीन प्रश्न यहां से बनते ही बनते हैं। पहला, मोट की मस्जिद कहां पर स्थित है, दिल्ली। दूसरा, ये कब बनवाई गई, 1505 में। तीसरा, किसके शासनकाल में बनवाई गई, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। ये क्लियर हो जाना चाहिए अपने आप, क्लियर। और साथ ही साथ स्टूडेंट याद रखना है, ये जो मस्जिद है मोट की, ये पूरे लोदी वंश में जितना भी स्थापत्य हुआ उनका सर्वश्रेष्ठ नमूना, यानी कि उसमें पहला स्थान रखता है ये मोट की मस्जिद। तो ये चीज याद रखनी, कई बार पूछा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा मैंने एक तथ्य और बताया तो याद ही रखना, मकबरों का काल भी लोदी वंश को ही कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी। हालांकि इससे मैंने लास्ट में एक फिर भी बता दिया, मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि चीजें और अच्छे से समझ सकें।
मकबरों की शुरुआत किसने की थी वो याद रखना, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो मकबरा बनवाया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का बनवाया था। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में ही है। यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत में निर्मित पहला मकबरा कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, अपने पुत्र की याद, नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। कब बनवाया था, 1231 में बनवाया था, ये तथ्य क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इन्हीं की, क्योंकि हम सिकंदर लोदी पर ही बात कर रहे हैं। सिकंदर लोदी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है जो हमेशा याद रखना, सन 1506 ईस्वी में इन्होंने अपनी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित। अब ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है, इसे दोनों तरीके से लिंक करके याद रखिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बहलोल चूंकि तीन ही शासक रहे लोधी वंश में, तो सीधी सी बात है, अगर तीन ही शासक रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि भाई निश्चित ही राजधानी लिमिटेड होगी। तो तीन शासकों में अगर पूछा जाता है कि बहलोल लोधी की राजधानी कौन सी थी, तो दिल्ली, क्योंकि वो संस्थापक थे। उनके समय सिकंदर लोदी के समय राजधानी कौन सी थी, तो याद रखेंगे सिकंदर लोदी के समय राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली पहले और फिर दिल्ली से स्थानांतरित कर दी आगरा। और आगे आने वाले जो हमारे शासक हैं वो है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के समय की राजधानी आगरा ही थी, इतना याद रखना। यहां से राजधानी वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए, यानी कि लोदी वंश के शासकों में किस शासक के समय कौन सी राजधानी थी, ये माइंड में होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनना है। और जिस शासक ने स्थानांतरित किया ना स्टूडेंट, वो तो पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्टली उन्होंने क्या है राजधानी को बदला है। आगरा स्थानांतरित करने का मुख्य उद्देश्य सब इंस्पेक्टर परीक्षा की दृष्टि से याद रखना ये क्वेश्चन, कांस्टेबल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं क्लिक कर दे रहा हूं, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कांस्टेबल में। डिटेल से जहां क्वेश्चन बनता आएगा वो एसआई लेवल या उससे ऊपर का होगा। तो दो तीन पॉइंट्स याद रखने इसमें, पहला तो इसलिए स्थानांतरित की थी कि दोआब और राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखा जा सके, दूसरा इसलिए की थी कि वहां से मुख्य व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, जिससे कि वो व्यापारिक मार्गों पर भी देखभाल रख सके, अपनी नियंत्रण रख सके, इसलिए उन्होंने बदली थी आगरा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सिकंदर लोदी की शिक्षा के संबंध में बात करें, तो इन्होंने स्पेशली यानी कि विशेष रूप से मुस्लिम शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की, बाहर से विद्वान तक बुलाए गए। इसीलिए कई बार परीक्षा में ये चीज पूछी जानी है कि लोदी वंश के किस शासक के द्वारा मुस्लिम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बाहर से या अरब फारस एशिया से विद्वान बुलाए गए थे, सिकंदर लोदी। मोस्टली विद्वानों में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला थे जो बुलाए गए थे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि कथन में ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि किसकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बुलाए गए थे, यानी कि कथन बेस आधारित जब क्वेश्चन होंगे, समझ रहे कैसे क्वेश्चन, जरा एक बार सुने किस तरीके का आएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, तब तीन ऑप्शन होंगे, चार दे दिए जाएंगे। जैसे कि पहला, मुस्लिम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बाहर से विद्वान बुलाए गए। दूसरा दे दिया जाएगा, मुस्लिम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सिकंदर लोदी के द्वारा अरब फारस से विद्वान बुलाए गए। तीसरा दे दिया जाएगा, मुस्लिम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला जैसे विद्वान बुलाए, बिल्कुल सही है। अब इस तरीके से नीचे होंगे ऑप्शन, केवल एक सही है, ऑप्शन बी में दे दिया जाएगा, एक दो दोनों सही है, सी में दे दिया जाएगा, एक दो तीन तीनों सही है, या तीनों गलत है, इस तरीके। तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उनकी धार्मिक नीति की, मैंने इसलिए रिकैप करी एक क्लास ताकि कल की सारी निचोड़ एक साथ आप अपने अंदर रख सकें, ठीक है। धार्मिक नीति में क्या थे, देखिए इनको दो शासकों से मैं लिंक करूंगा ताकि आपके दोनों चीजें क्लियर हों। जो लोदी वंश के संस्थापक थे यानी कि बहलोल लोदी, उन्होंने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई,
अब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हिंदुओं के प्रति जो नरम नीति थी वो बहलोल लोधी की थी। यही से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, आगे जाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी कि हिंद और जस्टिस से जो अगले शासक थे सिकंदर लोधी, उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध कट्टरता की नीति अपनाई, यानी कि कठोर नीति अपनाई। यहां तक कि उन्होंने मंदिरों को तोड़वाया, मूर्तियों को तोड़वाया और उन्हें मांस तोलने के लिए कसाईयों तक को दे दिया। समझ रहे हैं? तो अब आपके अगर आपसे कोई सामान्य तौर पर कोई क्वेश्चन कर दे ना कि हिंदुओं के विषय में बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के बीच मुख्य अंतर बताइए, तो ये साफ अंतर स्पष्ट है। बहलोल लोधी जो थे उनकी हिंदुओं के प्रति नरम नीति थी और उनके कुछ प्रमुख सरदार भी हिंदू थे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। जबकि इनकी नीति कैसी थी, सिकंदर लोधी की हिंदुओं के विरुद्ध कठोर नीति थी, यहां तक कि धार्मिक संस्कारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, समझ रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, तो इस तरीके की नीति थी। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, यानी कि वन मोस्ट डिफरेंस बिटवीन सिकंदर लोधी एंड बहलोल लोधी, समझ रहे हैं? ये एक बहुत मुख्य अंतर है और अच्छा भी है, तो याद होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें इनके और क्या पॉइंट्स थे कि भाई इन्हें महंतम क्यों कहा गया, तो महंतम के विषय में आप उसी पॉइंट्स को याद रखेंगे कि चूंकि तैमूर आक्रमण के बाद इन्होंने सबसे लंबा अगर विस्तार हुआ ना दिल्ली सल्तनत का, तो इन्हीं के समय में हुआ। मोस्टली इससे पहले चार सैयद वंश के शासक रह गए, समझ रहे हैं? वही सैयद वंश जिसके चार शासक रह गए, पहले हुजूर खान, उसके दूसरे थे मुबारक शाह, तीसरे मोहम्मद शाह और चौथे अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके बाद एक सही है, अगर हम लोधी वंश का भी इसमें जोड़ दें तो बहलोल लोधी। इनके भी इनके इस अवधि के दौरान भी कोई विस्तार नहीं हुआ जितना हुआ किसके समय में, सिकंदर लोधी। इसीलिए सिकंदर लोधी को लोधी वंश का सबसे महान शासक भी कहा गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का मोस्टली विस्तार भी इनके समय में हुआ। क्लियर? तो ये मुख्य विषय वस्तु थी, यानी कि एक छोटी सी रिकैप क्लास थी जिसमें मैंने संपूर्ण सिकंदर लोधी को बताने का प्रयास किया एक छोटी सी क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।